Hi, let's begin with the polynomial. So we were doing division algorithm, and now we'll continue with the questions of division algorithm. So the first question is, if the polynomial 6x power 4 plus 8x cubed minus 5x squared plus ax plus b is exactly divisible by polynomial 2x squared minus 5, then find the value of a and b. So here we have given a polynomial px which is equivalent to 6x to power 4 plus 8x cube minus 5x square plus ax plus b, and here divisor gx is equal to, now according to question वो कह रहा है कि पूरा divisible है, इसका मतलब जो उसका remainder होएगा that must be 0, और हमको इसमें a और b की value find out करनी है. तो सिंपली हम प्लस को और इसको डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर होगा उसको जीरो को इक्वेट कर देंगे और हम ए और बी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे. लेट्स बिगिन द डिविजन. यहाँ पे हमारे पास 2x को है, 2x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर से, टू गेट 6x to power 4 minus 5 into 3x square minus 15x square sign change minus plus minus okay. Now 2x square into 4x, it gives rise to 8x cube minus 5 into 4x plus minus 20x, but yahan pe hamare paas 20x ki koi term nahi hai, तो हम इसको एज इट इज यहीं पे ऐसे ही लिख देंगे. ठीक है, अब देखो जो ए एक्स था यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस 20x साइन चेंज, तो क्या आ जाएगा प्लस ए एक्स प्लस 20x. और बी को भी नाउ 2x को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से टू गेट 10x स्क्वायर माइनस 5 इंटू प्लस 5 माइनस 25 कॉन्स्टेंट टर्म ये रही साइन चेंज क्या आ जाएगा b प्लस 25 यहाँ पर था ax प्लस 20x ये रिमाइंडर है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डिवाइजर था डिविडेंड से properly divide हो रहा था having a zero remainder, तो हम इसको zero के quit कर देंगे. ax plus 20x plus b plus 25 is equal to zero. अब इसमें से हम factors बना लेते हैं. जैसे कि हमारे पास यहाँ से निकला हमने इसमें से x कॉमन निकाल लिया, तो एक इसका बन गया और ये b प्लस 25 एज इट इज रहा हूँ, तो x प्लस 20 को जीरो को इक्वेट कर दें, तो a क्या आ जाएगा माइनस 20, a आ गया माइनस 20. नाउ तो b क्या आ जाएगा इस केस में, अगर आपका a माइनस 20 है तो माइनस 20 को इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं देन वी गेट द बी इज टू, तो और अगर ए प्लस 20 इज इक्वल टू जीरो है तो ए आ गया माइनस 20, बी प्लस 25 भी जीरो हो तो बी क्या आ जाएगा आपका माइनस 25. हैंस इज द वैल्यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3. हमने इसकी सारी की सारी जीरोस फाइंड आउट करनी है. अब ऑब्वियसली डिग्री क्या है इसकी, थ्री. अगर डिग्री थ्री है देयरफॉर जीरोस कितनी होनी चाहिए इसकी, थ्री. दो जीरोस हमारे पास है एक्स माइनस थ्री एंड एक्स प्लस थ्री, यानी कि एक में है एक्स की वैल्यू रूट थ्री और एक में है एक्स की वैल्यू माइनस रूट थ्री, ये दोनों उसके फैक्टर्स हैं. तो अगर रिक्वायर
फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस रूट थ्री और x प्लस रूट थ्री. तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब हम इसको इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं टू गेट आर थर्ड जीरो. टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को किससे करेंगे हम, टू एक्स से, टू गेट टू एक्स क्यूब माइनस थ्री इंटू टू एक्स माइनस सिक्स एक्स. यहाँ पे आ जाएगा ये कट, बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर और माइनस थ्री. प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू प्लस वन माइनस थ्री, जीरो रिमाइंडर. तो थर्ड जीरो है इसकी, टू एक्स प्लस वन, यानी कि क्या हो जाएगी एक्स की वैल्यू, टू एक्स प्लस वन जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ, माइनस वन बाई टू. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री मोर देन टू. एक पॉलिनोमियल है पी एक्स जिसकी डिग्री है मोर देन टू. वेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, इट लीव्स अ रिमाइंडर वन. ये रिमाइंडर, इट लीव्स अ रिमाइंडर वन. एंड वेन इट इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री, इट लीव्स अ रिमाइंडर थ्री. फाइंड द रिमाइंडर वेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री. एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री मोर देन टू है, लेट्स से थ्री फोर फाइव, हमें नहीं पता क्या है. लेकिन जब वो एक्स माइनस टू से डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर आया वन, और सेम पॉलिनोमियल जब एक्स माइनस थ्री से डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर आया थ्री. और हमको क्या फाइंड आउट करना है, इन दिस केस वी नीड टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय उन जो दोनों के मल्टीपल से डिवाइड होगा, तो उस केस में क्या रिमाइंडर आएगा. लेट रिमाइंडर इज इक्वल टू ए एक्स पी, क्योंकि रिमाइंडर इसी की फॉर्म में आता है, जैसे टू एक्स प्लस वन, थ्री एक्स प्लस फोर, इसी की फॉर्म में आएगा. व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री. अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी एक्स स्क्वायर हो जाएगा. और अगर लेट अस से उसकी डिग्री थ्री है, अगर डिग्री थ्री होती है तो एक्स स्क्वायर और क्या बचेगा, एक्स बचेगा. तो रिमाइंडर इसी की फॉर्म में आएगा, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में. नाउ अकॉर्डिंग टू डिविजन एल्गोरिथम, जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर. डिवाइजर ये हो गया एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, क्वोशेंट क्यू एक्स लिख लिया, ठीक है, रिमाइंडर हमने वो ले लिया. और रिमाइंडर हम ले लेते हैं ए एक्स प्लस बी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ए एक्स प्लस बी ही वैल्यू पुट की है. अब x इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू हो जाएगी. अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि जब हम पॉलिनोमियल को x माइनस टू से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर क्या आता है, वन, ठीक है. तो लेट अगर हमने इसमें p को टू पुट किया तो रिमाइंडर हमारे पास वन है, क्लियर कट गिवन है. तो टू पुट करो, 2 माइनस टू इंटू टू माइनस थ्री इंटू क्यू एक्स, टू ए प्लस बी इज इक्वल टू वन. टू माइनस टू जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा क्या, टू ए प्लस बी इज इक्वल टू वन. ध्यान से स्टेप देखना ये वाला, ठीक है. ऑल्सो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स क्या हो जाएगा थ्री, और इस केस में रिमाइंडर कितना है हमारे पास, थ्री रिमाइंडर है, ठीक है. तो सेम वैल्यू को पुट करेंगे, थ्री माइनस टू, थ्री माइनस थ्री, क्यू इंटू एक्स,
थ्री ए प्लस पी इज इक्वल टू थ्री, ये टर्म जीरो हो जाएगी तो क्या बचेगा, थ्री ए प्लस पी इज इक्वल टू जीरो क्यों हुई, क्योंकि थ्री माइनस थ्री जीरो, तो जीरो जब इससे मल्टीप्लाई हुआ इससे मल्टीप्लाई इंटायर टर्म वुड भी जीरो, इस केस में टू माइनस टू जीरो था तो इससे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे साइन प्लस का था इसलिए जीरो का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, थ्री आ गया। अब हमारे पास दो आ गई, एक तो आ गई टू ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, एक आ गया थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग वन नाइन टू नाइन्थ क्लास में आपने किया होगा, सॉरी अभी आप करोगे, जैसे कि 2a ए प्लस बी इज इक्वल टू वन है, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस टू ए, इसको अगर हम इसमें पुट कर देते हैं b कितना है 1 माइनस टू ए इज इक्वल टू थ्री, ये a इज इक्वल टू टू, a की वैल्यू 2 आ गई, अगर a की वैल्यू 2 आ गई तो इफ़ a इज इक्वल टू टू तो b कितना हो जाएगा 2 टू 4 1 माइनस फोर, बी हो जाएगा आपका माइनस थ्री। क्लियर, ए टू एंड बी माइनस थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड टू एक्स टू पावर फोर माइनस नाइन एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एट बाय एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। हमने सिंपल डिविजन करनी है और इसको वेरीफाई करना है वाया डिविजन एल्गोरिथम। लेट्स बिगिन द डिविजन। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन से हम डिवाइड करना है, तो एक्स इन टू टू एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर इन टू एक्स स्क्वायर, वी वुड गेट द आंसर टू एक्स टू पावर फोर, माइनस फोर एक्स को टू एक्स स्क्वायर से करेंगे माइनस फोर एक्स माइनस एट एक्स क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे था पास प्लस वन, प्लस वन को किया टू एक्स स्क्वायर से प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, एक्स स्क्वायर किससे करेंगे हम माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट माइनस एक्स क्यूब, माइनस फोर एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस फाइव प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वन इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस फोर एक्स और यहाँ पे हम उतारेंगे माइनस एट। एक्स स्क्वायर को किससे करें हम, ये सॉरी यहाँ पे आपका वन एक्स आना था नॉट सेवन एक्स, बिकॉज ये प्लस माइनस माइनस हो तो मैंने आप गलती से माइनस साइन लगा दिया था, प्लस माइनस माइनस वन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम किससे करेंगे टू गेट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन से, माइनस फोर एक्स इंटू माइनस वन प्लस फोर एक्स कट गया, प्लस वन इंटू माइनस वन माइनस वन, माइनस प्लस माइनस एट माइनस वन सेवन, तो ये आपका रिमाइंडर आया माइनस सेवन। अब हमने इसको डिवीजन एल्गोरिथम से वेरीफाई भी करना है, नाउ सी हाउ टू डू वेरीफाई। वेरिफिकेशन हम करते हैं इस मेथड से, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू योर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आई वॉन्ट कि आप खुद डिविजन करो एंड सेंड इट टू मी। ठीक है, दिस वुड बी योर होमवर्क, वेरिफिकेशन करके मेरे को सेंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन दैट x माइनस रूट फाइव इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस थ्री रूट फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फिफ्टीन रूट फाइव, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें इसी क्या निकालनी है, जीरोज निकालनी है। एक फैक्टर हमें गिवन है, ठीक है, यानी कि दो जीरोज की और निकलेगी। नाउ हाउ डू वी फाइंड दैट,
सिंपल, पहले हम इसको इससे डिवाइड करेंगे. रूट वाले क्वेश्चंस को देख के प्लीज घबराना मत, नर्वस मत होना, हाँ सारे क्वेश्चन इजी होते हैं. x को किससे करेंगे, x क्यूब बाय x स्क्वायर से. माइनस रूट फाइव इंटू फाइव एक्स स्क्वायर माइनस रूट फाइव एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, थ्री रूट फाइव माइनस रूट फाइव कितना आ जाएगा, माइनस टू रूट फाइव एक्स स्क्वायर. अब x को किससे करेंगे, x को हम करेंगे माइनस टू रूट फाइव एक्स के साथ. सो वी गेट ओवर हेयर माइनस रूट फाइव इंटू टू रूट फाइव, रूट फाइव इंटू रूट फाइव फाइव, फाइव टू टेन, प्लस टेन एक्स आ जाएगा इसका. यहाँ पे लिख देंगे हम इसको माइनस, यहाँ पे आ जाएगा फिफ्टीन एक्स, ठीक है, प्लस फिफ्टीन रूट फाइव नीचे से उतार लो. अब x को किससे करेंगे हम, माइनस थ्री एक्स से, सॉरी हमने x को किया 15 से, तभी हमारे पास 15x आएगा. माइनस रूट फाइव इंटू रूट फिफ्टीन कितना आ जाएगा, 15 रूट फाइव, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है. तो वी गेट द आंसर, जो हमारे पास क्वेश्चन आया है वो आया है x स्क्वायर माइनस टू रूट फाइव एक्स माइनस फिफ्टीन. नाउ बाई यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम इसको स्प्लिट करेंगे एंड फिर उसके फैक्टर्स निकालेंगे. फिफ्टीन एक्स स्क्वायर, अब हमने टू रूट फाइव लिख के आना है, इसको हम लिखेंगे थ्री फाइव फिफ्टीन एंड थ्री रूट फाइव प्लस रूट फाइव माइनस थ्री रूट फाइव प्लस रूट फाइव, माइनस प्लस माइनस टू रूट फाइव आ जाएगा. ऐसे करेंगे माइनस थ्री रूट फाइव, माइनस प्लस माइनस कितना आ जाएगा, थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन, फिफ्टीन है, माइनस साइन लग जाएगा. तो हमने कॉमन निकाला इसमें से x, अंदर बचा x माइनस थ्री रूट फाइव. यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं रूट फाइव, अंदर बचेगा x माइनस थ्री रूट फाइव. तो एक तो इसका फैक्टर बन गया x प्लस रूट फाइव और एक फैक्टर बन गया इसका x माइनस थ्री रूट फाइव. तो जिसके जीरोज होंगे वो क्यों हो जाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस रूट फाइव, इसका आ जाएगा थ्री रूट फाइव, और जो दूसरे वाली थी वो थी x माइनस रूट फाइव, यानी कि एक और जीरो बन जाएगी उसकी, माइनस रूट फाइव, थ्री रूट फाइव एंड प्लस रूट फाइव. तो ये इसके तीन रिक्वायर्ड जीरोज होगी. सो आई होप कि आपने ये क्वेश्चन समझ लिए होंगे. इसके बाद हमारे अब जो क्वेश्चन हैं दे आर मोस्टली फिनिश्ड, ठीक है. तो नाउ आई विल सेंड यू वन असाइनमेंट और उसके बाद मुझे अब इसका टेस्ट देना. टिल देन रिवाइज ऑल द वीडियो, अच्छे से इसको प्रॉपरली रिवाइज कर लो, एंड कोई डाउट है देन व्हाट्सएप और कॉल मी. टिल देन डू ऑल द क्वेश्चंस.